वासवन दीदी, कहाँ हो, क्यों परेशान हो? व्लॉग देखा आपका, बताओ दीदी। राधे राधे। घर से निकालने की तैयारी कर रहे हैं सब लोग। दीदी, अभी आपका ब्लॉग देख ही रहा था, तभी आप लाइव आ गए। हेलो डियर, हेलो गायत्री देवी। हद है व्यूज, हद है। वैसे खुश नहीं देख सकते तो टाइम पे कोई किसी सही बात है, कोई किसी का नहीं होता है। मेरे को तो इनके जाने के बाद ही पता चला है कि क्या लोग कितनी हद तक क्या क्या कर सकते हैं। मेरे को इनके जाने के बाद पता चला है, पूरी सच्चाई पता चली है, क्या अपने होते हैं, क्या पराए होते हैं, सब कुछ इनके जाने के बाद पता चला है। आज तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई जब मैंने ऐसा कुछ सुना। मैं तभी से रो रही हूँ, ना मैंने कुछ खाया, बस पानी पी रही हूँ। मेरा मन नहीं, मेरी भूख प्यास सब हट गई। हम किसी से कुछ नहीं मांगते हैं, हम अपना खा रहे हैं, अपना कमाते हैं। और पहली बात तो मैं एक बात बताऊं आप लोगों को कि मेरा एक एक दिन का पूरा जितना मैं जो करती हूँ सब आप लोगों के पास ही है। आप लोगों ने एक एक दिन मुझे नोटिस किया है। मेरे घर में कौन आया? मेरे मायके से कोई आता है? हाँ, पिछले साल मैं बीमार पड़ी थी, शायद पिछले साल भी नहीं, उसके एक साल और, तब मेरे शायद मायके वाले आए थे, तभी उसके बाद से नहीं आया आज तक ना मेरे मायके वाले। और क्या मैं गालियां देती हूँ? जो विधवा ही कहूंगी खुद को, क्योंकि मैं हूं जो अपनी बच्ची को ऐसे संस्कार देती है, वो गाली कैसे दे सकती है? मैं ये आप लोगों को बोलती हूँ कि अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना। मेरे माँ बाप हूँ, ऐसा नहीं बोलती कि जो जन्म दिए हैं वो, पति के माँ बाप भी कभी दिल मत दुखाना। तो मैं गाली कैसे दे सकती हूँ, किसी को मारने कैसे दौड़ सकती हूँ? आप लोग ये सोचिए। गलत गलत चीजें बोली गई है, बहुत सारी चीजें हैं, मैं क्या क्या बताऊँ आप लोगों को। मैं तो एक एक चीज पढ़ कर मुझसे नहीं सहा जाता। अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं सच बताऊं, मेरे में नहीं है इतनी हिम्मत जितनी हिम्मत है। मैं आप लोग देख रहे हो, 3 साल से मैं हिम्मत ही दिखा रही हूं, पर अब नहीं है मेरे में हिम्मत। नानी को बोल दो फोन ना लगाए मुझे। मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं
अपना डॉलर बोलते, मैं कभी ऐसा बोलती भी नहीं हूँ। हाँ इतना बताया मैंने कि 6-7 महीने में मेरा पेमेंट आ रहा, सच बात है। मेरी जून में पेमेंट आई थी, जून से अभी तक नहीं आई, और इतनी भी नहीं आई थी कि मैं बहुत कुछ कर लूं। 2 महीने का अगर एक रूम का रेंट दिया जाए ना, उतना ही बस। एक रूम का अगर कोई रेंट भरेगा ना, तो उतनी पेमेंट आई थी मेरी 4 महीने वेट करने के बाद, और अभी जून से पेमेंट नहीं आई है मेरी। और आप लोग ये बताओ, मेरे पास तो बहुत सारा कंटेंट है व्यूज लाने का। नॉर्मली अपनी रेसिपी बताऊंगी, अपना काम दाम बताऊंगी, अच्छी चीजें ही यूट्यूब पर लेकर आई हूँ। कभी मैंने बदतमीजी नहीं बताई। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का मतलब ये हमेशा आप लोग मेरा रोना नहीं देख सकते, मुझे भी पता है। अगर मैं चाहूँ बहुत सारी चीजें हैं ड्रामा करने के लिए, क्योंकि मेरे पास ऐसी ऐसी स्टोरी है जो मेरे साथ हुई है। अगर मैं वो खुद, मैं खुद खुद ही सास बन जाऊं, खुद ही बहू बन जाऊं, तो आप लोग बहुत देखोगे मुझे। मैंने कभी कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझसे बोला गया था कि हमारा ना जिक्र होना चाहिए ना ही हमारा नाम लेना चाहिए। हमने उसके बाद से एक बार भी ना किसी का नाम लिया, ना किसी का जिक्र किया, आज तक नहीं बोला हमने। आप लोग खुद अगर डेली जो ब्लॉग देखते हैं, देखते होंगे, मैंने कभी किसी की चर्चा नहीं करी। मेरी लड़की श्रेया मेरे एग्जाम के टाइम अकेली रही, मुझे धोखा दिया गया था। ये बात बताई मैंने आप लोगों को? नहीं बताई। अच्छे होने का फायदा है, जितना ही बातों को दबाते जाओ तो लगता है सुन रही। जब मैं यहाँ पर बोल ही नहीं रही हूँ किसी का, जो इंसान जैसा है, मैं जब बोल ही नहीं रही, तो क्यों बोला जा रहा है कि ये वैसी है, यूट्यूब पर बोल रही है, किसी की बुराई कर रही है, नाम ले रही है। मैंने तो किसी का कुछ बोला ही नहीं। मैंने कब गालियां दे दी, कब क्या बोल दिया। मेरे घर में कौन चुपचाप से आ जाता है? एक ताले की दो चाबियां हैं, हमारे पास भी है वहां भी है। तुम कब खोल के आ रहे हो, कब जा रहे हो, हमें क्या पता। हम तो इस जगह से, शुक्ला जी की जगह से हटते ही नहीं है, हमारा दिन भर यहीं कट जाता है। क्या मेरी आप लोगों को आवाज आ रही है? मैं चाह कर भी सच्चाई नहीं बता सकती। मैंने अपने पति को मारा है, पता है ये बोला गया है। मैंने अपने पति को खाना नहीं दिया है, इसलिए वो बीमार हुए थे। ब्लॉग में है ना, ये होता है, ये होता है एक सीधे साधे इंसान के साथ जिसका मायका कमजोर है, ये होता है। रोना तो क्या करो, मेरे को रोने के अलावा कुछ नहीं समझ में आता है, मुझे नहीं आता रोना। मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर जाता है कि मैं क्या करूं, क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आता है। मैं फिर से वहीं पर आके वही कंडीशन में आ गई हूँ जैसे वो शुक्ला जी छोड़ के गए थे ना। मैं दिन भर हो गया आज मेरे को वही सब बातें, जब मैंने पूरा शुरू से, जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, वहीं से मैंने पढ़ा हुआ है कैसे मेरी शादी हुई थी, फिर कैसे शुक्ला जी को मैंने बीमार किया,
कैसे मैंने सारी प्रॉपर्टी बिकवाई। कोई नहीं, मेरे को ना गलत बातें बर्दाश्त नहीं हो रही है। जो मैंने चीज़ नहीं किया है वो चीज़ मैं नहीं, सहन नहीं होती यार, मुझसे नहीं सहन होती। मेरे में इतना नहीं है, मैं भी एक इंसान हूं, मुझे भी दर्द होता। वैसे तो मैं इतने बड़े दुख से 3 साल में कैसे अपनी बच्ची को इतने अच्छे संस्कार दे रही हूँ। बच्ची एक संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, घर की चीजों को लेकर उनमें सब मैं व्यस्त हूँ। और ये सब मुझसे गलत बर्दाश्त नहीं होता है, यही सब बातें ना दिमाग में घूम रही है कि कोई व्यक्ति इतना गलत मेरे को कैसे बोल सकता है, जो चीज मैंने कभी की नहीं है। कभी एक रुपए नहीं मांगा मैंने, एक रुपए मांगा हो किसी से 3 साल हो गए हैं। अपनी मेहनत से खा रही हूं, अपनी मेहनत से, कभी किसी से नहीं मांगा। नहीं पता क्या होगा, चलो मैं जा रही हूँ, इतनी बोलना था है ना। अभी मैं यहाँ पर अभी मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ है ना, बस आप लोग ये समझो कि सुहाना भी मुश्किल में है। मेरे 2-3 ब्लॉग पहले से बने हुए थे जो कि मैंने नहीं अपलोड किए। आज का ब्लॉग मैंने ताज़ा ताज़ा अपलोड कर दिया क्योंकि आज मेरा मन ही नहीं था उन ब्लॉग की एडिटिंग करने का जो मैं मन ही नहीं था, क्योंकि उन ब्लॉग को एडिटिंग करने के लिए माइंड चाहिए मेरा। आज मैंने कोई भी, क्या हो रहा है, बहुत जोर का सर में दर्द हो रहा है। वो लोग कितने खुश नसीब होते हैं ना कि थोड़ी बहुत आस रहती है कि परिवार अच्छा होता है। सपना को ले लो, क्या है स्नैपी गर्ल सपना, उनके सास ससुर अच्छे हैं है ना। नेहा को ले लो, सब लोग अच्छे हैं। मेरे पास तो ना माइक ही मजबूत है, और ये तो जो
घर से, मेरी बच्ची बच्ची पे तरस नहीं आ रहा है, मुझ पे छोड़ो, गलत गलत। मैं कभी श्रेया से इतना बोल देती हूँ, डांट देती हूँ। घर में लॉक लगा के रहने वाली, एक ताले की दो चाबी, कभी मैंने किसी को नहीं। जिसका जो मन आता है, अनाज रखते हैं, सुखाते हैं, जाते हैं। लाइट की व्यवस्था हटाई गई, आंगन में रही हूँ, घर के आंगन में। इतनी गर्मी में ये घर बनाया मैंने बाहर रह कर के, मेरी बच्ची ने मेरा सपोर्ट किया। लाइट नहीं, पानी नहीं, सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं मैंने बनाई। आज 3 साल हो गए, एक अनाज का दाना, जबकि इतनी बड़ी, इतनी खेती किसानी सब कुछ है, सबके यहाँ सब जाता है। लड़कियों के यहाँ भर भर के दो दो बोरे, सबके यहाँ, मेरे यहाँ कुछ नहीं आया, ना मैंने मांगा। मैं जो श्रेया है वो दहेज में थोड़ी ना लाई थी, यही की है ना श्रेया, मेरी बेटी है तो मैं तो पालूंगी। दहेज में लाई होती तो ले जाती, जब मेरा घर ही नहीं है तो मैं कहाँ जाऊं, मेरी जगह और कोई होती ना। कब की छू हो जाती, पर मैं विधवा बन के ही खुश हूँ, ऐसे ही जीवन मेरे को ठीक लग रहा है। कम से कम उनका नाम तो है कि हाँ ये सत्यम शुक्ला की विधवा है, इतना तो कहा जा रहा है ना, उसी में खुश हूँ मैं। पर वो भी जीवन मुझे नहीं जीने दिया जा रहा है। सबसे बड़ा एलिगेशन तो यह कि मैंने अपने पति को खाना नहीं दिया है। लड़ती थी, झगड़ती थी, आप लोगों ने तो ब्लॉग देखा, वो तो मेरे ब्लॉग में आते थे, खाना पीना सब कुछ बताया कि ये शुक्ला जी को पसंद है, शुक्ला जी नहीं आए हैं, शुक्ला जी आ गए, शुक्ला जी बोल बोल के मेरी जबान नहीं थकती थी। उसमें तो सब कुछ है कि ये मम्मी को खाना जा रहा है, ये पापा जी को खाना जा रहा है, खुद ना खाऊं, दिन रात लगी रहती थी, सब कुछ भूल गए। उसी का नतीजा है ये, पूरी अच्छाई सब कुछ भूल गए। सासू माँ का एक्सीडेंट हुआ था, टाइल से गिर गई थी, मैंने उनकी सेवा की, बोलते सेवा का नहीं बोलना चाहिए पर मैंने की। सब भूल गए 2 महीना। ये जो ना ये जो गाउन पहनी हुई है ना, मैंने मैंने सासू माँ को भी दी थी पहनने को, कि मम्मी ये पहन लो, उनको नहलाया भी करते थे, उनको फ्रेश होने भी ले जाया करी, उनका बाथरूम भी फेंका मैंने, व्रत भी रखती थी तो भी नहीं। वो मेरे को ये मैंने सुना, जो भी मैं अच्छी चीज़ें सुनती थी ना, तो ये बोलते थे सास ससुर की सेवा करना बहुत पुण्य का काम होता है, और मैंने किया, सब कुछ किया, वो सब ये सब जानते हैं, मैंने किया है सब कुछ। मत मानो बहू, मत मानो, कुछ नहीं मानो, पर एक इंसान, आप लोग मेरे कौन लगते हो, कोई लगते हो नहीं लगते हो ना, फिर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत इतनी बातें ही सुनकर या इतने दिनों से मुझे नोटिस कर रहे हो, थोड़ा बहुत तो लगता होगा कि सुहाना कितनी सही है। एक इंसान होने के नाते एक इंसान का दुख ना समझे, मैं बोल रही नहीं समझो बहू, मैं कुछ नहीं हूं तुम्हारी, पर एक इंसान यानी ऐसा सोचकर अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग किसी का दुख नहीं समझ सकते। मैं तो अपनी तो मैं कहूंगी नहीं, क्योंकि मैं उनकी अपनी होती तो आज मैं रोती ना होती।
भगवान किसी को विधवा मत बनाना, और विधवा बनाना तो उसके सपोर्ट में उसके मायके वाले भी देना और ससुराल वाले भी देना। विधवा जीवन बहुत खराब होता है, मुझे रोना आता है क्योंकि मैं टूट जाती हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। इंसान इतना लालची होता है पैसों के लिए, उनको मेरी बच्ची तक नहीं दिख रही है कि बच्ची दिखे। इस बच्ची को भी घर से निकाला जाए। उस बच्ची ने क्या बिगाड़ा किसी का? हाँ, अगर मैं किसी से कुछ मांग रही होती या बोलती कि हाँ मेरा घर चलाओ या कुछ भी है, मैंने तो कभी किसी से मदद भी नहीं मांगी, खुद करती हूँ जैसे करती हूँ। कभी किसी की बुराई नहीं की। मेरे पास बहुत सारे कंटेंट है, मैं उठा उठा के रोज व्यूज लेकर आऊँ। मेरा व्यूज इतना डाउन हो गया बट मैंने नहीं सोचा। मैंने व्यूज के लिए, मैं बहुत लोगों का देखती हूँ, मानो बिना निडर होके। वो नेहा है, उसने सब कुछ सच्चाई बता दी। मेरे को लगती है मेरे पास हिम्मत क्यों नहीं है। मैं बस लाज बचाने के लिए नहीं बताती सच्चाई। बोलते हैं अपने परिवार का तमाशा ही बनाना होता है। ऐसा परिवार किस काम का जो मेरे बारे में ना सोचे। मेरा तो कोई परिवार ही नहीं है ना। मैं तो आज मैंने बोल दिया ना हिम्मत करके कि मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है। अगर इस दुनिया में जीना है ना, बहुत टेढ़े बन के जीना होता है। इसलिए ना मैं लोगों से बचती हूँ, ना किसी से बात करना, घर के अंदर रहना, ना किसी से मिलना जुलना। आप लोग खुद बोलते हो सुहाना बाहर जाया करो, इधर जाओ उधर जाओ। मैं सब इस बस इन्हीं सब चीजों से बचना चाहती हूँ। मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं सीखना। क्या मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? मेरी वॉइस आ रही है आपको? बहुत जोर का सर दुख रहा है, मैं लाइव बंद कर रही हूँ। चक्कर टाइप के आ रहा है मेरे को, दिन भर हो गया मुझे रोते रोते। क्या अब अगर मैंने आप लोगों को आधी अधूरी बात बताई तो क्या किया? मुझे पता है यहाँ पर बताने से, पर मेरी जब मैंने इसलिए यहाँ पर आधी अधूरी बात बताई क्योंकि बताना जरूरी है। जब मैं डेली यहाँ पर बता रही हूँ कि आज सुहाना ने ये बनाया वो बनाया, तो ये भी पता चलना चाहिए कि आज सुहाना के साथ क्या हुआ। सुहाना मैं क्यों ना बताऊँ, भले ही आधी अधूरी। मेरे मायके वाले कभी आए क्या? हर एक चीज आप लोगों को बताती हूँ। मैं हर एक चीज आप लोगों को बताती हूँ।
ये किया वो किया ये बनाया ये खाया है ना, यहाँ गई वहां गई, तो ये चीज क्यों नहीं बताऊं कि आज मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को किस प्रकार का नोटिस आया है ना, क्यों गई मैं वहां पर क्या क्या लिखा, क्या क्या बोला गया, क्या क्या मेरे ऊपर गलत गलत रॉन्ग रॉन्ग बिल्कुल से एलिगेशन लगाए गए जो मैंने कभी किया ही नहीं, लालची बोला गया मेरे को, लड़ाकू प्रवृत्ति की बोला गया है मेरे को, इतने क्या बोलूँ यार। ये जो भी चीजें हैं सब तोड़ने के लिए की जा रही है, ये जानते हैं ना वो लोग, जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग कि मैं कैसी हूँ, मैं बहुत जल्दी हार मान लेती हूँ, टूट जाती हूँ बहुत जल्दी, इसलिए एक वो रहते हैं ना मध्यम मध्यम जहर दिया जा रहा है मेरे को कि ये खुद ही ऐसे ही शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर स्वाहा, वो जानते हैं मेरे को कि मैं कैसी हूँ, मेरे को कब कब की छूट रही है, ठंड लगने लगी, फीवर सा आ रहा है, लग रहा है बहुत डर जाती थी। शुरू से लेकर के आज वो जर्नी मैंने सुनी है खुद की, गलत गलत चीज़ों की, जब से मेरी शादी हुई वो सुन करके मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सब एक चीज़ सब सारे पॉइंट गलत बोले गए, मुझे रोना अच्छा लगता है, रोती हूँ भगवान के सामने भी रोई, ऐसा नहीं है, फीवर आ गया मुझे, बहुत लोग होंगे यहाँ पर, कुछ रिश्तेदार भी बैठे होंगे ना, बहुत सारे लोग हैं, देखो तमाशा देखो, ससुराल पक्ष के होंगे, मायके पक्ष के होंगे, देखो अगर जो लोग देख भी रहे ना, मेरे पास कोई नहीं आया, एक थी उन्होंने बोला था अगर तुम इसी घर में बैठी रहोगी ना इसी व्यक्ति के नाम से तो तुम्हारा सपोर्ट हम करेंगे, हम तो बैठे हुए हैं पर उनका पता नहीं है वो कहाँ पर है, यहीं पर है कि कहाँ है, सब बातें हैं, वो 13 दिन तक चलती है, जब तक 13 दिन थे तब तक आके रिश्तेदारों ने सर में हाथ फेरा है ना, और बस संतावना देकर निकल लिए, पर उसके बाद नहीं पता कि रुचि क्या खा रही क्या पी रही, सर उसके पास घर में राशन है नहीं है क्या है, मैंने मदद भी मांगी, मेरे घर में लाइट नहीं है, लाइट काट दी गई है 1 साल बिना लाइट के रही मैं, किसी ने मदद नहीं की, लोगों ने बोल दिया हमारे मामलों में मत पड़ो वरना वो बहुत खराब है फंसा देती है, मैंने किसको किसको फंसा दिया पता नहीं,
मैं अपनी समस्याओं से नहीं निकल पाती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मेरी बच्ची मेरे को रोता हुआ देख रही है सुबह से, वो बोलती है मम्मी रो मत, कुछ नहीं, सबको बताओ। उसके कहने पे मैं नहीं बताती, पर उसके कहने पर मैं ये सब चीज़ें बता रही हूँ। अगर एक एक चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ के बताऊंगी ना, आप लोग बोलोगे इतना दिमाग चल कैसे जाता है। चुप रहने का ही है ये नतीजा। जो चुप रही ना, जब मुझे मना किया गया कि उनके बारे में यहाँ पर जिक्र नहीं करना, तो नहीं कर रही मैं, बट फिर भी वो डबल से फिर से वही बात बोली गई कि मैं कर रही हूँ, अभी तक नहीं कर रही हूँ, फिर भी बोला गया। तो फिर इससे अच्छा कर ही लो, बोल ही लो। हाँ भैया, वहां से नोटिस आया है कि इसको और इसकी बेटी को इस घर से निकाला जाए, है ना। मैं उनको भगा देती हूँ गालियां दे करके, जबकि मैं सच बताऊं, मुझे इतना पता है कि गाली देने से दरिद्रता आती है। मैं कभी गाली देती नहीं हूँ, मुझे खुद अटपटा लगता है कैसे लोग गाली देते। और अगर मेरे सामने कोई दे भी रहा है ना, तो मैं मना कर देती हूँ, गाली नहीं। मैंने कभी गाली नहीं दी। हाँ, एक बात और बता रही हूँ, बताना जरूरी है, ब्लॉग में और बता दूंगी पूरे से। 51 लोग हैं, सुन लो, मैंने बात की थी कि श्रेया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरा एग्जाम टाइम था, तो मैंने बोला था कि श्रेया अपन एक काम करते हैं, तेरी सबसे अच्छी सेफ्टी तेरी वहीं पर हो सकती है दादी दादा के पास, तो उनसे एक बार पूछो कि तुम क्या 15-20 दिन हमको रख सकते हो। एक बार पहले पूछा गया था जब श्रेया को, श्रेया की फ्रेंड के यहाँ किया था मैंने, तो तब मना कर दिए थे, बोले नागपुर जा रहा है, हम नहीं रख सकते हैं। हमने बोला ठीक है, मना कर दिया गया, श्रेया की फ्रेंड के यहाँ कर दिए। उसके बाद अभी मैंने बोला, श्रेया खाटू श्याम बाबा का, हनुमान जी का नाम लेके पहुंचाई थी कि बाबा जी शायद काम बन जाए, ये लोग रख लें 20 दिन के लिए मेरी बिटिया को, तो मैं वहाँ पेपर देकर आ जाऊँ, मेरे जब एग्ज़ाम थे। माता जी ने ये कहा कि ठीक है, हमारी मौड़ी है, हम रख लेंगे। हम बहुत खुश हुए, हम भगवान जी को इतना प्रणाम किए कि भगवान जी कम से कम देर सवेर मेरा समझ में आया कि हाँ एक नातन एक बहू है। बोले रोटी भी ले आएंगे उसके लिए, 4 रोटी हम उनके लिए बनाते हैं, 4 रोटी इसकी सही। हम निकल गए फ्री टेंशन, श्रेया को छोड़ करके। आप लोगों को नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था आप लोग पूछेंगे, नहीं बताया। श्रेया का फोन आता है, 2 दिन तो वो आई वहीं नीचे जहाँ उन्होंने लॉक करके रखा है, वहीं पर रुकी 2 दिन, आई और फिर दूसरे तीसरे दिन से मना कर दिया कि हम नहीं आ सकते हैं, हमारे दादाजी की तबीयत खराब है, झूठ बोला गया। जबकि श्रेया ने खुद देखा कि वहां पर और लोग भी आए हुए हैं, और फिर नहीं आई, वो धोखा दिया गया था। अरे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं सौंप के गई थी, मेरी बेटिया ना संभाली गई। फिर मेरी बेटिया मैगी बनाती थी, मैं वीडियो कॉल पर रहती थी कि बेटा खाना खा ले, खाना बना ले, बस मैगी, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं रहता था। सुबह 6 बजे से कोचिंग, शाम को 6 बजे तक कोचिंग अटेंड करके स्कूल अटेंड करके आना, तो बच्ची थकेगी नहीं क्या? इतनी थोड़ी ना बड़ी हो गई है,
इसलिए मैं उसकी कितनी केयर करती हूँ। आप लोग डेली व्लॉग देखते हो तो कितनी केयर करती हूँ मैं। बच्ची आने होगी, आने वाली होगी, खाना बना दूँ। मेरी बच्ची मैगी बना बना के बॉयल कर करके खाती रही इतने दिन। मैंने फ्रूट पैसे भी देके गए थे, फ्रूट ले आ, दूध है, दूध पी के रहती रही, पर एक दिन खाना नहीं, कुछ नहीं हो। मेरी बच्ची अकेली 1:30 बजे तक रात में इसने फोन लगाया, मम्मा डर लग रहा है, मम्मी लाइट चली गई। और मैं रात भर जागती थी इसलिए क्योंकि मेरी एग्जाम होते थे तो मैं पढ़ाई करती थी। और आप लोगों को बताया कि मेरे भाई से मेरी हो गई थी लड़ाई, झगड़ा हो गया था मेरा, तो मैं तो खुद वहां पर सेफ नहीं थी। और ये काव्यांशी है ना, इनको सब कुछ पता है। जब मेरी भाई से झगड़ा हुआ था तो इनको मैंने वीडियो कॉल करके दिखाया था। ये मेरी कोई नहीं लगती हैं, बस ऐसे सब्सक्राइबर हैं, बट दिल से एक रिश्ता बन गया है। इनको पता है मैं सारी बातें बताती हूँ, और इनको मैंने सब कुछ भेजा भी है आज का पूरा। मैं कुछ नहीं बोलती ना यहाँ पर, सच्चाई नहीं बताई ना, बस इसी का ये रिजल्ट निकला हुआ है। चुपचाप सहना भी एक ऑफेंस होता है, पता है। चुपचाप से नहीं सहना चाहिए, जब तक नहीं बोलोगे ना, उसमें लिखा गया है एक वर्ड जो कि मेरे ना आत्मा हिला दी गई। क्या लिखा गया है? मैं अपने आप को ये कहती हूँ, एक चीज और सुनना। पहली बात तो मैं झगड़ालू प्रवृत्ति की हूँ, क्रूर हूँ, लालची हूँ, और एक पॉइंट यह है कि मैं सांड हूं, मैं किसी से नहीं डरती, मैं यहां पर किसी को नहीं आने दूंगी। मैं तो ये वाक्य आया कहाँ से लोगों को? जो लोग मुझे जानते हैं ना, जो लोग मेरे मायके वाले हैं वहां से या यहां से, उन लोगों को पता है कि मैं कैसी हूं। सब लोग यही बोलते कि यह अनोखी लड़की है, इसका ना चेहरा देखने को लोग तरस जाते हैं। यहाँ पर मोहल्ले में भी ना किसी से भी पूछोगे तो ये लोग यही बोलते हैं कि ये रहती भी है कि नहीं रहती है, चेहरा देखने के लिए लोग मेरा तरस जाते हैं क्योंकि मैं निकलती नहीं हूँ। वहां पर भी अगर जाऊंगी तो मैं निकलती नहीं हूँ, बोलेंगे एक अलग लड़की है, बहुत सहती है, बिल्कुल गाय की जैसी है। पर मेरे ऊपर ना एलिगेशन बैला वाला लगाया गया, वो जो सींग लगा के घूमता है ना, जैसे कि मैं हूं ही नहीं, मैं चुपचाप सहने वाली लड़की हूं। छोटी छोटी सी बातें ना मेरे दिमाग में बैठ जाती हैं। बहुत अपने आप को स्ट्रांग बना के रखी हुई थी मैं, पर आज मैं बहुत ज्यादा टूट गई हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि मैं आप लोगों को बस एक क्लू देती हूँ कि मैं कुछ बताने वाली हूँ, वक्त आने पर बताऊंगी। मैं बहुत दुखी हूँ, कभी कभी कम्युनिटी पोस्ट आता है, पर मेरी बहुत इच्छा होती है कि आप लोगों को कुछ बताऊँ, पर मैं चुप हो जाती, नहीं बताती। मैंने ये जो श्रेया 20 दिन अकेले रही, ये बात भी छुपा ली आप लोगों से, नहीं बताई, जबकि मुझे धोखा दिया गया था। मैं चाहती तो बता सकती थी, पर मैंने बोला नहीं, इसमें बुराई होगी, इसमें मेरी सासू माँ की बुराई होगी, लोग उनको गलत बोलेंगे, इसलिए रहने दो, उन्होंने गलती की, उनका भगवान देखेगा, जाने दो, मेरी बच्ची तो सेफ है ना, जाने दो, मैं नहीं बोलूंगी किसी के बारे में। मैंने नहीं बोली ये बात, जबकि सबने मुझसे बोला था कि बताना क्या किया गया। मैंने नहीं बोला कि मैंने, मेरी बच्ची मेरे को सेफ मिली है, मेरे को किसी से कुछ लेना देना नहीं, मैं नहीं बोलूंगी। अगर नहीं रुकना था, वो तो अपने घर में रह रही, यहीं रह रही है, नहीं रुकना था तो वादा नहीं करना था, बोलना नहीं था कि ठीक है छोड़ जाओ, तो मैं कम से कम व्यवस्था करके जाती या उसको लेकर जाती। पर मुझसे झूठ बोला गया था उस समय भी। मेरे को सब लोग बोलते थे बता दो बता दो। मुझे पता है यहाँ पर थोड़ी ना अपन को जजमेंट कोई मिल रहा है,
यहाँ पर मुझे कोई भी कुछ भी नहीं मिलने वाला, पर मैं जब सब कुछ आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पर कि आज मैंने ये बनाया, ये खाया, ये लिया, वो लिया, एक चम्मच भी लेती हूँ तो आप लोगों को बताती हूँ, तो ये भी आप लोग सुनो कि ऐसा होता है। क्यों मैं अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊं, क्यों ना मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि सुहाना दुख भी सहती है। सुहाना के ये ससुराल ब्लॉग है, ससुराल ब्लॉग है, ससुराल ब्लॉग देख लिया आप लोग? ये होता है ससुराल ब्लॉग, जो मूवी में देखते थे ना, मैं छोटे में देखती थी, मुझे घरेलू वाली मूवी ना, संसार वाली, जिसमें सास बहू पति नंद उनके बच्चे, ये सब वो जो स्टोरी सीरियल और मूवी में देखा करती थी, वही मेरे साथ दोहराया जा रहा, वो चीज मैं खुद फील कर रही हूँ। अगर आप लोग ये सोचो, अपन सीरियल को देख करके रोने लगते हैं, कई कई लोग महिलाएं रहती हैं जो रोने लगती है वो स्टोरियां देख करके, कितना दुख मिल रहा है, वो तो नाटक है, एक एक्ट किया जा रहा है, बट मेरे साथ रियल हो रहा है। कितना अपने आप को मजबूत करूं, नहीं है हिम्मत मेरी अब, सब जगह मुझे गलत ठहराया जा रहा है, गलत बोला जा रहा है कि मैं गलत हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। मुझे पता, मेरे को किसी से कुछ नहीं चाहिए है, मेरे को मेरी बच्ची के साथ बस रहने दिया जाए, ये मेरा ये जगह, ये घर है जो 2 कमरे की मैं ही नहीं इसको बनवाया है, मैंने बहुत गुस्सा है इस घर के लिए, बाहर रही हूँ, आंगन में रही हूँ, तो मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए, रख लो संपत्ति लेके जाओ, कि हमको पता है आप लोग खाली हाथ नहीं आए थे, संपत्ति लेकर आए थे और संपत्ति लेके जाओगे, चले जाओ, मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी किसी का, धर लो, कुछ नहीं चाहिए मेरी, मैं इतनी वो नहीं हूँ यार, मेरे नसीब में होगा तो मेरी बच्ची किसी पद पर बैठ के ना सारे सुख दिखा देगी, बट मुझे नहीं चाहिए ऐसा, बट मुझे परेशान मत करो प्लीज, मुझे परेशान मत करो। जो चीज नहीं की है वो चीज बोली गई है, एक चीज और बोली गई थी, मरने की मैं धमकी देती हूँ, मैं 80 लोग हैं यहाँ पर, 81, ध्यान से सुनना, हो सकता है रिश्तेदार भी हो, एक बचाव का पॉइंट है उनके लिए, कल को मैं मर भी जाऊं ना उनका कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वहां पर लिखा गया है कि ये मरने की धमकी देती है, अरे मेरे को मरना होता शुक्ला जी के जाने के बाद ही मर जाती, ऐसी जिंदगी नहीं जीना था मुझे। लोगों ने अपने बचाव के लिए बोला कि ये बार बार मरने की धमकी देती है, तो जिसमें कल को मैं मर भी जाऊं, हो सकता है इतना रो रही हूं अटैक आ जाए, नस फट जाए सर की, मर जाऊं तो बोलेंगे सुसाइड कर ली और मर गई, किसी का कुछ नहीं होगा, जिंदगी किसकी बर्बाद होगी, मेरी बच्ची की, जिंदा क्यों हूं पता है? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जीते जी मेरी बच्ची का जब सेफ्टी नहीं है, वो सेफ नहीं है, मरने के बाद मेरी बच्ची दर दर भटकेगी, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, मैं जीवन नहीं बर्बाद करूंगी, मैं जिंदा रहूंगी, मरूंगी क्यों? ऐसे लोगों के घर में बहू नहीं आनी चाहिए, कहने का मतलब यह है कि अगर बेटा नहीं तो उसकी औरत भी नहीं और उसका बच्चा भी नहीं, अकेले स्वतंत्र रहना है भाई, कहाँ जाएंगे, जाएंगे तो ना, सुहाना कल को मर गई समझ लेना आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो धमकी देती थी।
है, और भी बहुत सारी बातें कही गई है। हाँ, ये प्रॉपर्टी को लेकर के, जहाँ देखो वहाँ प्रॉपर्टी का जिक्र है, वहाँ प्रॉपर्टी का जिक्र है। पति को मैंने मारा है, यानी मेरे इतने आंसू, इतनी चीजें, सब बर्बाद था। मैं इतनी लालची औरत हूँ कि पति को मार दिया मैंने, ये कहना है वहाँ का। मुझे विधवा होकर कितना खुश नसीब अपने आप को मान रही हूं मैं, ये कहना उन लोगों का। उसको भी तो पता चलना चाहिए ना, मैं कभी ऐसी बातें उसके सामने नहीं करती हूँ, पर वो आप सभी लोगों के कमेंट्स रीड कर रही है, यहाँ पर लेटी हुई है, बोल कुछ नहीं रही है, पर उसको ही पता चलना चाहिए ना, तभी तो वो ज़्यादा पढ़ेगी और कुछ बनेगी। क्योंकि हमेशा लड़की को अपने पैरों पर खड़े रहना चाहिए और कुछ बनना चाहिए, किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। मेरी जैसी लाइफ किसी की ना हो। मैं अपने आप को ना एक श्रापित महिला समझती हूँ, जो श्राप सह रही हूँ इस इन लोगों के बीच में आकर के। मेरे को बिल्कुल सुख नहीं मिला शादी के बाद से, मुझे कभी नहीं अपनाया गया, हमेशा छोटी छोटी बात को लेकर के मुझे हर एक बात, अगर जीना स्टार्ट किया फिर से ना, तो वो जर्नी फिर से जी सकती हूँ, सारी बातें मैं बता सकती हूँ, एक एक बातें मेरे साथ क्या क्या किया गया। बहुत चीजें की गई मेरे साथ, मारा पीटा गया सब। मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को नहीं बताई है, मैं नहीं बताना चाहती, और बहुत कुछ किया गया मेरे साथ। इस लाइफ के बाद क्या होने वाला ये भी नहीं पता मुझे। नवरात्रि चल रही है, अगर इनमें से माता रानी अगर सत्य की होंगी ना, 48 मिनट हो रहा है, अगर एक बात भी मैंने झूठ बोली हो, माता रानी ना मेरा काम ही तमाम करेंगी। सारी बातें सच है, 100%। भगवान जी को बहुत मानती हूँ, क्योंकि उनके भरोसे ही मैंने जीवन दे दिया उनको, जो है ना वही देखेंगे, अब उन पर ही छोड़ा है सब कुछ। आज मेरे एक आंसू ना जो गिर रहे हैं ना, शायद मेरा नसीब खराब है यार। किस पर विश्वास करूं, किस पर नहीं करूं, को इतना इतना टॉर्चर किया जा रहा है, बहुत ज्यादा। ये सारी चीजें, मुझे कॉपी तो मिली नहीं थी, बट ये सारी चीजें, मैं ये सेकंड कंप्लेंट है मेरे खिलाफ, सेकंड, एक पहले हो चुकी है। मैं आतंकवादी टाइप हूँ ना, इसलिए कम से कम 8-10 पेज का है। सोचो सुहाना के लिए 8-10 पेज का ऐसा मैटर बन सकता है, मनगढ़ंत कहानियों का 8-10 पेज का मैटर बना है। इनमें पैसा नहीं लगता क्या? जाओ, मेरा भाई तो इधर आते ही नहीं है, मैं अपने भाई से धमकी दिलवाती हूँ, आते ही नहीं है, वो तो मेरे ही नहीं है, तो वो मेरा सपोर्ट क्या करेगा?
इज्जत भी चाहिए और इज्जत का ई भी नहीं है। यूट्यूब पर छवि धूमिल कर रही हूँ सारे परिवार लोगों की, छवि धूमिल एक एक परिवार का नाम लेके करती हूँ, ये बोला गया है। मैंने कब किसकी बुराई की है आप लोग बताइए, किसको बोला मैंने? कुछ नहीं बोला किसी को, मुझे पता है मैंने कुछ नहीं बोला। अब इससे ज्यादा क्या सच्चाई दे दूं, मेरे पास नहीं है कोई प्रूफ। पहली बात तो मेरे पास पूरी यूट्यूब पे जर्नी है मेरी, एक एक दिन की, 3 साल से। मेरा पहले का जीवन कैसा था ये भी यूट्यूब पर है, और मेरा अभी तक कैसा है ये भी यूट्यूब पर है, एक एक दिन का ये प्रूफ मेरा यहीं पर है कि मैं कैसी हूँ। रिश्तेदार भी देख रहे होंगे, बोल ये सब लोग ना यही देखते हैं कि मटक कैसे रही है, कौन से गाने में मटक रही है, कैसे एक्सप्रेशन दे रही है, कैसे एक्ट कर रही है। लोग जलने वाले और मेरे जो मुझे नापसंद करते हैं, बस वो यही देखते हैं, ये नहीं देखते कब ये रोई, कब इसने किस चीज की इसको घर में कमी पड़ी, कब इसने राशन खरीदा, कितने का खरीदा, ये कितनी खुश है, कब ये उनके शुक्ला जी को याद कर रही है। याने सत्यम शुक्ला सिर्फ मेरे ही थे और किसी के कुछ नहीं थे। सबको आजादी है सबके यहाँ शादी में जाने की, उद्यापन करवाने की, इधर उधर घूमने की, बस सुहाना को नहीं है। सुहाना ना ही मटक सकती है ना ही गा सकती है, सुहाना कुछ नहीं कर सकती है, सुहाना को कोई अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि उसका पति गया ना, पति मर गया ना, तो वो कुछ नहीं कर सकती। बस वो एक कोने में बैठे और एक कोने में सफेद साड़ी पहन के बैठ जाए, सुहाना बस ये करे, उसका कोई अधिकार नहीं है। वो अगर यूट्यूब पर कुछ बोली तो गूंगे बन के कौन मेरे को देख लेगा, गूंगे बन के कौन मेरे को यूट्यूब, मेरे को रिश्तेदार लग रहा है ये जो मेरे को फ्री फ्री की पेमेंट देगा। भाई कुछ तो बताना होगा, काम करूंगी गूंगी बन के कर लूंगी तो कौन काम देखेगा मेरा गूंगा बन के। रोते रोते कोई झाड़ू लगा रही हूं हूं कर रही हूं तो कोई देख लेगा, रोते रोते खाना बना रही कोई देख लेगा, नहीं देखेगा ना। कुछ तो बोलना पड़ेगा वहां पर, कुछ तो करना पड़ेगा। सोचा था डांस वायरल हो रहा है, डांस करके देख लिया, नहीं चाह के भी देख लिया, कर लिया, बच्ची की खुशी के लिए तरह तरह के एक्ट भी कर लिया, कुछ नहीं हुआ। पर बस एक वीडियो पर यही उम्मीद रहती शायद वायरल हो जाए, शायद नई सब्सक्राइबर मिल जाए, शायद मेरी वीडियो पर व्यू आने लगे तो मेरी शायद हर महीने पेमेंट आ जाए। सपना है हर महीने पेमेंट आना, एक सपना है। यूट्यूब से नहीं आता, मेरा सपना पूरा नहीं हो रहा। भगवान जी से रोज बोलती हूँ व्यू आने लगे, व्यू आने लगे, नहीं आता। क्या करूँ, डेली डालती हूँ, मैं नहीं चाहती कहीं घूमने। बस यह है, सुहाना को सफेद कपड़े पहने कोने में बैठ जाए, ठीक है। बाकी जिसका भाई है, जिसका बेटा है, जिसका मामा है, जिसका देवर, देवर तो कोई है ही नहीं, बस और बता रही जो रिश्ते उनके थे, तो वो लोगों को सब चीज करने का, आजादी से जीने का पूरा सब कुछ है। पार्टी शादी में जाने का, इधर उधर कथा वार्तालाप में जाने का, पूजा करने का, अर्निंग करने का सबका अधिकार है, सिर्फ सुहाना को नहीं है। क्योंकि सुहाना पत्नी है, सुहाना पत्नी होकर गुनाह कर दी है, सुहाना विधवा बनकर गुनाह कर दी है। अगर विधवा बनी है तो बिल्कुल से रूल्स रेगुलेशन पूरे अपनाए। सुहाना ने एक नियम को तोड़ा है जो कि आज बता रही, सुहाना सती क्यों नहीं हुई, सती हो जाती तो फिर ये इस घर में नहीं रह पाती, वो सती होती तो उसकी बच्ची अपने आप निकल लेती, ये चीज हुई है। सुहाना ने इस रूल को क्यों नहीं अपनाया, सती क्यों नहीं हुई, जिस अर्थी में उसका पति लेटा हुआ था वहीं पे जाके क्यों नहीं लेटी सुहाना, क्यों तोड़ा इस रूल्स रेगुलेशन को। आज लेट जाती तो कम से कम ये घर में तो कम से कम नहीं रह पाती। सुहाना ने अगर जी रही है ना तो गलत कर रही है, जीना नहीं था सुहाना को, मर जाती। और सबको अधिकार है, अपने अपने पतियों के साथ जा रही हैं, घूम रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं, सबको सब अधिकार है।
इतने बड़े बड़े झुमका पहन के घूम रही हैं, कंगन खरीदे जा रही हैं, वैरायटी वैरायटी की साड़ी, ये मॉल वो मॉल सब जगह जा रहा है। क्यों? भाई तो था, पति थोड़ी ना था। जिसका पति है वो शोक मनाए? मेरा तो भाई था, मेरा तो बेटा था, मैं तो इंजॉय करूंगी। पर जिसका पति था वो इंजॉय नहीं कर सकता है, वो कुछ मुंह से बोल भी नहीं सकती है। हम उसको बजा के मुक्का भी मार देंगे, लाज जूतों से गाली भी दे आएंगे तो वो चुप रहेगी, क्योंकि उसको ऐसा प्रताड़ित कर देंगे तो वो कुछ बोलेगी ही नहीं। और यही किया जा रहा है मेरे साथ, मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, मैं सच नहीं बता पा रही हूँ। घर में भगवान जी क्यों लेके आए मेरे को? मैं कई लोगों को देखती हूँ, मेरे पास शकल है, हिम्मत है, सब कुछ है, फिर भी दुखी हूँ। कई लोगों को देखा है, बोने लोगों को देखा है, वो लोग भी अपने ससुराल में खुश हैं। अंधी लड़कियों को देखा है, वो भी अपने ससुराल में खुश है। लंगड़ी जिनसे चलते नहीं बन रहा, वो भी अपने ससुराल में खुश है। मेरे पास तो सब कुछ, पूरे हाथ पैर सब सही सलामत है, अब मैं अपने ससुराल में खुश नहीं हूँ। मेरा नसीब ही गड़बड़ है। एक घंटे हो गए ना आप लोगों के सामने, एक घंटे रो रही हूँ यही सब बातें करते करते। मैं सुबह 12 बजे से रो रही हूँ। मैं श्रेया बोलती हूँ, मम्मी मुंह दिखाना, और आंसू मेरे ऐसे गिर रहे हैं। श्रेया दिखाओ इधर कौन है। एक बार फोन काट देते हैं तो नहीं समझ में आता। हेलो हेलो, अब मम्मी की ममता जागी है, क्योंकि बच्ची आज रोई है ना, तो ममता जागी है आज माँ की हमारी। अभी वो फोन लगा रही है, दो बार यहाँ से काट दिया है तो फोन लगा रही है। एक दिन मेरे मायके में मेरा वीडियो कोई नहीं देखता, यार सच्चाई बता रही हूँ, बच्ची का कोई सपोर्ट कर दे। भाई के पास मोबाइल है, माँ के पास तो कीपैड है, बहन के पास है, उनके हस्बैंड के पास है, बच्चे शॉर्ट देख लेंगे, कार्टून देख लेंगे, 10 मिनट का समय नहीं है कि मेरा कोई वीडियो चला दे। यह सच्चाई, मेरा वीडियो कोई नहीं चलाता, मेरे लिए एक एक व्यू कितना इम्पोर्टेंट है। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है क्या? कितना टाइम हो रहा है? श्रेया तूने खाना नहीं खाया बेटा? श्रेया ने खाना नहीं खाया, ना मैंने खाया ना उसने खाया। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, मेरे मायके में कोई वीडियो नहीं देखता मेरी, कोई मेरी वीडियो नहीं देखता। कि मेरे मायके में सोचें कि 10 मिनट अपनी बच्ची के ब्लॉग के लिए मेहनत कर रही है, बोलते हैं विधवा औरत के लिए उसके ससुराल वाले नहीं साथ दे रहे हैं तो चलो मायके वाले देंगे, नहीं देते। सब लोग बोलते हैं तुम्हारे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सैलरी उनकी अच्छी है, कम से कम 5,000 रुपये महीना भी दें। 5,000 क्या, 2,000 भी नहीं, 2,000 क्या, 1,000 भी नहीं, और 1,000 क्या, 500 रुपये भी महीना नहीं मिलता मुझे। अब ये सोचो कि जब ससुराल से मदद नहीं,
मायके से मदद नहीं, ये सच्चाई नहीं बतानी चाहिए, पर आज मैं बहुत टूटी हुई तो मैं बताऊंगी। कोई मदद कि मैं अनाथ हूं, मेरे माँ बाप को सब लोग बुरा कहेंगे कि कैसे माँ बाप है तो आना की मदद नहीं करते हैं, सबका अच्छा सोचती हूँ मैं, क्योंकि मैं अगर बोलूंगी तो मेरे माँ बाप की बेइज्जती होगी, पर हमेशा मैं अपने माँ बाप को अच्छा बताती हूँ। माँ बाप किसी के बुरे नहीं होते, मैं भी बोलूंगी, होगी उनकी कोई परेशानी, नहीं दे रहे हैं पैसे तो क्या कर सकते हैं, जबकि मेरा अधिकार है कि मैं अपने माँ बाप से ले सकती हूँ। एक विधवा लड़की अपने माँ बाप पर आश्रित रहती है, आज के लिए हूं मैं आश्रित, जैसे आप लोगों को नहीं बताया मैंने आज तक, तो आप लोगों को ही लगता होगा सुहाना कि मायके वाले मदद करते होंगे, तो सच्चाई है कोई मदद नहीं होती मेरी, कोई मायके वाले पैसा नहीं देते मुझे। और रही बात शुक्ला जी की, शुक्ला जी कुछ भी नहीं छोड़े है, नौ दुर्गा जा रही है, माता रानी की कसम खा के बोल रही हो, वैसी बर्बाद हूं और बर्बाद कर दे। शुक्ला जी के पास 1200 रुपए निकले थे पर्स में, उसके अलावा कोई संपत्ति नहीं निकली उनके पास, और ये टूटा फूटा 2 कमरे का मकान जिसको मैंने एक किचन एक हॉल एक बेडरूम अपनी मेहनत से बनाया, कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं देके गए, ना ही बोलते ना मरने के बाद किसी को 2 लाख रुपए मिलते हैं कोई कार्ड के थ्रू, शासन देती है, मेरे को कुछ नहीं मिला, मेरे को किसी शासन ने कोई सरकार ने कोई मदद नहीं की मेरी, मुझे कुछ किसी से नहीं मिला। हाँ विधवा पेंशन मिलती है 600 रुपए, एक लाभ हुआ है शुक्ला जी के मरने से, विधवा बन गई ना 600 रुपए मिलता है। मुझे पता है मेरा तमाशा बन रहा है, ये सब बातें कभी नहीं बोली मैंने, आज मैं बहुत टूटी हुई हूँ, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। किसी का नहीं होता है, आज के जमाने में पैसा होना जरूरी है और एक टैग होना जरूरी जी है, अपने ना कोई अच्छे पद पर बैठो, पैसा वाला ना पैसों वालों से ही दोस्ती करना पसंद करता है, गरीब से नहीं करता है। मेरी बहन बोलती है तू पढ़ी लिखी गवार है, तू अकल नहीं चलाती, मुझे आती है चलाके करना पर मैं करती नहीं हूँ, बस मैं ये सोचती दूसरे को ठेस पहुंचेगा, दूसरे को तकलीफ होगी, भगवान जी को क्या जवाब देंगे, बस मैं ये सोच के चुप हो जाती, मैं किसी के साथ कुछ नहीं करती, गवार गवार सही, क्या करना है इधर हार जीत करके क्या करना है, बस मैं अपना दुख बता रही हूँ। आप लोगों को वीडियो देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो, आज 7 महीने में पेमेंट आ रही है, 8 महीने में सही, 8 महीने में आएगी, चल जाएगा, भगवान जी ना भूखे थोड़ी ना सुलाएंगे, माँ बेटी तो है, कितना खाते हैं हम लोग, चला लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, जब तक जिंदगी है जी रहे हैं, मरेंगे नहीं, पर मरेंगे नहीं अपने हाथ से। हाँ ऐसे ही कोई प्रताड़ कर करके अपने आप से कोई नस फट जाए तब की बात दूसरी है, कोई बताने वाला भी नहीं है आपको कि सुहाना मर गई, कभी अगर कुछ हो भी गया तो कोई बताने वाला नहीं है, श्रेया को तो होश ही नहीं रहेगा कि श्रेया बोल पाए। ये होता है कई लोग बहुत दुखी होते हैं, बस मैं ना अपना मेरा बहुत मन खराब था इसलिए मैं इधर पर आ गई बात करने के लिए, बहुत घुटन हो रही थी अंदर से मुझे कि मैं क्या करूं किससे बात करूं, श्रेया
क्या कर रही है? बच्ची भी आज मुझे देखकर परेशान हो रही है। वो मुझे हंसाती रहती तो आज उसका बस भी नहीं चल रहा कि मम्मी को कैसे हंसाऊं, क्या बोलूं। बस उसने मेरे को बोला है, मम्मी रो मत, तुम सबको बताओ। उसने ये बोला, तू खाना क्यों नहीं खाई? खा ले, खाएगी नहीं तो फिर स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? रो रो के वीडियो बनाओ और व्यूज बटोरो। ये तो मुझे आता है, मैंने किया। रोज रोती हूँ, आजकल कैमरे के सामने नहीं रोती, बट आज मेरे को घुटन हो रही थी। हेलो, मैं ये पूरा सब कुछ दुख रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, पूरा सब। खाना खा के सोना, ऐसे नहीं सो। आज पूरा दिन ही खराब हो गया मेरे को, जबकि भगवान जी के सामने परसों के दिन खूब रो के गई थी कि भगवान जी मेरा साथ देना। मुझे नहीं पता था ये इतना बड़ा गेम खेला गया है मेरे साथ, 8 पेज का, शुरू से लेकर के कहानी, जब से मेरी शादी हुई और आज तक की जर्नी उस पेपर में बड़ा चढ़ा के गलत 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 लिखा गया है, सब रॉन्ग सब रॉन्ग। मैंने फिर से अपनी लाइफ जी ली, आज मैं बहुत टूट गई। कभी ऐसा नहीं देखा होगा तुम लोगों ने मेरे को, पर आज बहुत बुरा लग रहा है कि इंसानियत मर चुकी है। पैसा सब कुछ है, पैसे के लिए सब कुछ, नए नए षड्यंत्र कर सकते हैं, किसी पर कुछ भी एलिगेशन लगाया जा सकता है, कुछ भी एलिगेशन लगा सकता है, XYZ आप समझ सकते। मैं शुरू से रोते आई, बोलते हैं विधवा को दुख नहीं देना चाहिए, दूसरों को ज्ञान देने वाले शास्त्री पंडित जी, सबकी कुंडली देखने वाले, दुर्गा जी का पाठ हो रहा है, जगह जगह पंडाल बुक किए गए हैं, 5,000 2,500 अर्निंग चल रही है ना, अर्निंग हो रही है, पाठ किए जा रहे हैं, ये सब कांड करके पाठ। अपनी बहू को रुला करके दूसरों की कुंडली देखी जा रही है। हाँ, ये मोड़ा सही है, मोड़ी सही है, 36 के 36 गुण मिल गए, कर दो शादी, कर दो, 36 के 36 गुण मिल गए हैं। हम तो अपनी बहू की बैंड बजा ही रहे हैं, 6 6 8 8 पेज के मैटर बना करके, तुम कर दो। बाकी कभी तलाक वलाक की नौबत आए और बाई चांस तुम्हारा मोड़ा मर भी जाए, तुम्हारी बहू विधवा हो जाए, तो हमारे पास आना, हम कैसे पीछे छुड़ाना अपनी बहू से, हम बताएंगे। हम कुंडली के साथ साथ ये भी दिखाते हैं, ये भी बताते हैं। हम कुंडली तो हम देखते हैं, ज्ञान तो हम बांटते हैं, पर ये भी बताते हैं कि एक विधवा बहू के ऊपर कैसे कैसे एलिगेशन लगाए जाएं और कैसे उससे बचा जाए, कैसे उसको लात मार के भगाया जाए। उसकी औलाद भी है तो तुम्हारी नहीं है। अरे मूल बोलते हैं ना, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा है, बट नहीं, जब मूल ही नहीं रहा तो ब्याज काहे का निकालो। मूल बस पैसे वाला पसंद है और ब्याज पैसे वाला पसंद है, औलाद वौलाद वाला नहीं। ये कहावत है पुराने जमाने की, मूल से ज्यादा ब्याज पर प्यारा होता है, खुद के बेटे से ज्यादा नाती पोता, वो कहावत है पुराने जमाने की, काहे का नाती पोता, कुछ नहीं होता है। हाँ, पैसे वाला ब्याज मिल रहा है तो बढ़िया है, ये प्यारा है,
बाकी चीज वाला ब्याज व्याज नहीं हटा, निकालो लात मार के भगाओ, यही चीज हो रही है। सुहाना, सुहाना की बेटी को निकालो इस घर से, दो कमरे की जगह है, किसका क्या जा रहा है। हाँ किसी की बेटी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, मेरी जैसी लाइफ किसी और की बेटी के साथ भी हो सकता है, अगर उनके साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा। ऐसी बेटी रोए गिड़गिड़ाए, मैंने बहुत कुछ कह दिया है, मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या कह दिया है। ये है रियल ओरिजिनल सुहाना, ऐसी ही है। एक घंटे सवा घंटे होने जा रहे हैं, इतनी देर में मैं गुस्से में भी हूँ, मैं दुखी भी हूँ। कोई गाली निकली क्या? मुझे नहीं पता, निकली तो नहीं है क्योंकि मैं गाली देती नहीं हूँ। 100% श्योर हूँ मैं कि सवा घंटे में मुझे होश नहीं है, मैं क्या क्या बोल पड़ी, बट गाली नहीं दी होंगी, मुझे पता है। मुझे ये बोला गया है ये गंदी गंदी गालियाँ देख करके घर से भगाती है, घर में घुसने नहीं देती है। अरे मेरे घर में तो कोई आता ही नहीं है, पार्सल वाला आएगा तो बाहर से गेट के बाहर देख के चल जाएगा, दूध वाला आएगा तो खटखटाता है, दूध ले लो बस। उन दोनों के अलावा पार्सल वाला रोज नहीं आता, मैं कौन सा खूब खरीद रही हूँ कोई भी चीज़, महीने दो महीने में आ जाती कोई चीज़ ले लेती हूँ सस्ती वस्ती सी, तो वही पार्सल है बाकी कुछ नहीं। कोई मेरे घर में आते ही नहीं है, मेरे घर में मैं गुंडे बुलवाती हूँ, धमकी दिलवाती हूँ, मेरा भाई तो मेरा ही सगा नहीं है, तो मेरे मेरे सपोर्ट में क्या बोलेगा, उसको तो जो पैसा दे दे वो उसी का हो लिया। इतना बताऊंगी, सुहाना का कोई नहीं, सुहाना अकेली है ना, गलत करती नहीं हूँ तो डरती किसी से नहीं हूँ, सच्चाई थी मेरी बात में, मैंने सच बोला है। माता रानी अगर तुम सत्य की हो ना, बोलते 9 दिन आपका पैसारा रहता है, आप सब जगह घूमते हो, भ्रमण करते हो, घर घर जाते हो, मेरे घर भी आकर के ना ये फाइल पढ़ लेना, आकर के बस यही बोलूंगी, ये फाइल पढ़ लेना, और आप तो अंतर्यामी हो, इस फाइल में कितना झूठ कितना सच है पढ़ना, हम जरूर निकालना, बस आपसे यही प्रार्थना है। आप लोगों के सामने ये 77 लोग हैं यहाँ पर ना, किसी की मन की बात तो सुनोगे आप, इतने लोग पूजा आराधना कर रहे होंगे, तो इस फाइल को बस पढ़ के चले जाना, भगवान जी जितने भी देवता हैं इस फाइल को पढ़ के जाना, और कितनी सच्चाई है जरूर रिजल्ट निकालना। काव्यांशी को मैंने भेजा है, ये पढ़ी है उन्होंने ये पूरा एक एक पेज। किसी के साथ ना हो भगवान, किसी का पति ना जाए, सबका सुहाग बना रहे, अगर पति जाता है ना तो किस्मत अच्छी है, ससुराल वाले अच्छे हैं तो पल गई तुम्हारी औरत, और ससुराल वाले मेरे जैसे हुए तो अगर औरत में हिम्मत हुई तो जी गई, और नहीं हुई तो मर जाएगी भैया, मरना नहीं कोई भी, सब लोग जिंदा रहो, अपनी अपनी वाइफ का सिंदूर बनाए रखो, मरना कोई नहीं, बहुत गंदी जिंदगी होती है एक विधवा औरत की, और साथ में बच्चा और हो तो और जिंदगी, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं होता है। सुहाना की रियलिटी, कितने दिन से सुहाना ये सब छुपा के रखी थी, मैं कभी किसी से कोई चीज बताती ही नहीं थी, अभी बहुत सारी चीज़ें, ये मैटर तो पढ़ के बताया ही नहीं है मैंने, इस मैटर में लिखा क्या क्या,
मैं भी किसी के कमेंट्स रीड नहीं कर रही हूँ, मेरे को माफ करिएगा, हिम्मत नहीं है मेरी, मेरी आंखें ही नहीं खोल रही हैं। हेलो, मैं सब कुछ दर्द कर रहा है, इतने दिन से मैं अपना इसी टेंशन में टूटी रही कि व्यूज़ नहीं आ रहा। 1-1.5 हफ्ते से आप लोग खुद नोटिस कर रहे होगे, व्यूज़ नहीं आ रहा। मैं बहुत टेंशन में थी कि भगवान जी कैसे चलेगा, कैसे बच्ची पालूंगी, व्यूज़ तो आ ही नहीं रहा है, क्या करूं भगवान जी। एडिटिंग का तरीका बदला, दूसरे लोगों के ब्लॉग देखे, उनकी उनके जैसे मैंने एडिटिंग करी। कंटेंट तो नहीं बदल सकती क्योंकि लोग इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, सज रहे हैं, करवा चौथ की तैयारी कर रहे हैं। अगर विधवा कोई लड़की है तो उसकी फैमिली वालों के साथ वो रह रही है खुश। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या बता दूं। मेरे पास जो है वही बता सकती हूँ, बस एडिटिंग कर सकती हूँ, बट मेरे वीडियो पर व्यूज ही नहीं आ रहा, और क्या बताने लगूँ मैं। नहीं आ रहा तो मेरे पास नहीं, और मुझे नहीं दिमाग में चल रहा कि मैं कहीं जाऊं। अरे घर में घुसे घुसे तो इतने एलिगेशन लग रहे हैं, अगर घर वीडियो के चक्कर में इधर उधर जाने लगी तो मेरा तो पता नहीं गर्दन काट दी जाएगी मेरी। अभी लोग सोचो मेरी मजबूरी है कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, नहीं जा सकती, नहीं मुझ में हिम्मत इतनी है। भगवान पर ही भरोसा है मुझ मुझे होंगे तो वो जरूर साथ देंगे, भगवान होगा ना, इतने लोग बैठे हैं ना। अगर मेरे अच्छे दिन आएंगे तो आप लोगों के सामने ही होगा जो होगा, और नहीं आए। बचपन से खूब पूजा पाठ की है तो ऐसा नसीब है, बहुत पूजा पाठ की, दुर्गा चालीसा की बचपन से। मेरे मालूम है मेरे मायके वाले ये बोलते थे, उनकी वो लड़की बड़ी वाली ना बहुत ही अलग प्रवृत्ति की है, पूजा पाठ करती है सुबह सुबह, उसके घर वाले नहीं उठते और उसकी दुर्गा चालीसा हो जाती है। जम जम से करती थी मैं दुर्गा चालीसा, 9 दिन व्रत भी रखी थी मैंने, अभी भी करती थी, बहुत पूजा पाठ करी। पूजा पाठ करने के बाद मेरा ये नसीब है, भगवान जी को इतना मानने के बाद भी ये नसीब है, फिर भी मान रही हूँ। शायद मैं ये जो मेरी स्टोरी, जब मेरे को बनाया गया होगा तो मेरी स्टोरी ऐसी लिखी होंगी, दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख, बस। यानी सुख वाला जो गैप है बिल्कुल वो इतना सा रहता था, और दुख वाला इतना वाला स्पेस इतना दे दिया जाता था, और सुख भी कैसा वो खुद ही में ढूंढती थी। शुक्ला जी आए, इतना सा सुख मिला, फिर वो गए तो इतना बड़ा दुख मिला, फिर उसके बाद श्रेया को लेकर के जीना चाहा तो इतना सा सुख मिला, फिर उसके बाद शुक्ला जी के परिवार वालों ने इतना बड़ा दुख दिया। ये है एक बहू की और लड़ाई हो रही है, आवाज क्या पता आप लोगों को आ रही, वहां भी दिन रात लड़ाई होती रहती है। एक बहू थी मर गई आग लगा कर, फिर उस लड़के से तो रहा नहीं गया, उसने दूसरी शादी कर ली। अब वो जो दूसरी शादी करके जो उसकी वाइफ आई है वो शायद उससे जैसा भी हो उनकी तो रोज लड़ाई होती है, रो रही है शायद वो, उसकी आवाज आ रही है वहां पे। ऐसा है, औरत रह लेती है बिना पति के, तो देखो उसकी औरत गई तो उसने तो शादी कर ली, और उसको भी वही प्रताड़ित होती घर घर की। कितना बज रहा है रात का और लड़ाई हो रही है वहां पर, आवाज आ रही है, 10:30 हो रहा है। जब मैं वहां कोर्ट से आई थी ना तभी से हो रही है,
मेरी बच्ची भूखी सो गई जी, सो गई है वो, अब उसको कन्या भोजन में गई थी, किसी फ्रेंड के इधर कन्या भोजन हुआ था, तो कौन है प्लूटस का है, शॉर्ट में बताएं क्या हो गया, शॉर्ट में नहीं बता सकती, अब नहीं बता सकती हूँ, ये पूरी लाइफ देखो पता चल जाएगा, मेरे को नहीं है हिम्मत, मैं नहीं बता सकती अब, सॉरी उसके लिए, मेरी हिम्मत नहीं है, फिर से वही सब, फिर से रोऊंगी, फिर से बोलूंगी, आ रही आप लोगों को आवाज उसकी, रो रही है चिल्ला चिल्ला के, एक मैं रो रही हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है फिर भी रो रही हूँ, उसके पास सब कुछ है तब भी रो रही है, रहे तो परेशानी ना रहे तो परेशानी, समझो अब शायद मैं सच, कल भी मेरा ये जब तक ताज़ा ताज़ा रहेगा ना तो मैं ऐसे ही रहूँगी उदास उदास सी, 2-3 दिन बाद शायद मैं ठीक रहूँ, जैसा भी होगा कल के ब्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा कि मेरी कैसी हालत है, इवर इवर ना है, मुझे लग रहा तबीयत बिगड़ेगी मेरी, वीडियो तो आएगा, मैं बिल्कुल यहाँ तक बीमार भी रहूँगी ना गले तक भी, तब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, बहुत मुश्किल होता है कि मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँ, काम में बकायदा करूँगी, बोली बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मेरी बच्ची के लिए मैं वीडियो डालूँगी, भले ही जितना भी डॉलर बने उसमें थोड़े से थोड़ा, पर मैं अपनी बच्ची के लिए वीडियो डालूँगी, चाहे मैं कितनी भी बीमार रहूँ, बहुत कम रहता, और बीमार भी रहती हूँ तो लाइव आ जाती हूँ, उसी में थोड़ा बहुत आप लोग आके एंट्री कर देते हो ना, वही देख लेते हो, वही एक बूंद तो, 1 रुपया तो मिलेगा ना, 1 रुपया वही मेरी बच्चे के लिए बहुत है, 1-1 रुपये जोड़ जोड़ के ना कुछ तो होगा, क्यों अपनी मेहनत बेकार, जो मेरा ना वो ईमानदारी से करूंगी, बाकी बस आप लोगों के ऊपर है, ये दिन कब गुजरेंगे, नहीं गुजर रहे हैं, पीछे ही नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं गुजर रहा है, जब पति बीमार थे तब लगता था दिन गुजर जाएंगे बिट्टू सही हो जाएंगे, दिन गुजर जाएंगे बिट्टू सही हो जाएंगे, इतने दुख मुसीबत आए, मैंने अपने पति को कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा, मेरे पति ही छोड़ के चले गए मुझे, मैंने उनको नहीं छोड़ा, बहुत यातनाएं सही है मैंने, पर उनको नहीं छोड़ा मैंने, मैं नहीं छोड़ूंगी, मर जाऊंगी पर छोड़ूंगी नहीं, बहुत गुस्सा 15-16 साल में मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा, बच्ची को छोड़ने को तैयार थी पर शुक्ला जी को नहीं छोड़ा मैंने, ऐसी पतिव्रता नारी थी एक प्रकार से, आज वही छोड़ के चले गए, और एक ऐसे घेरे में फंसा गए कि क्या बताओ, सब लोग तमाशा देखते हैं, कोई किसी का नहीं होता, बहुत सारे लोग यहाँ पर रिश्तेदार बैठे होंगे चुपचाप तमाशा देख रहे होंगे, बहुत लोग, और भाई वो भी लोग बैठे होंगे देख रहे होंगे क्या हो रहा है, क्या रो रही हूँ, देख लो तुम लोग कामयाब हो गए, रो रही हूँ मैं, क्या हालत बना दी है, कामयाब हुए हो तुम लोग, बेस्ट ऑफ लक, और करो जो करना है करो, इतना प्रताड़ित कर दो कि नस फट जाओ, निकल लूं मैं, फिर बोलना राम राम सत्य है, जाओ खुशी मनाओ, सक्सेस हो गए हो, मिठाई उठाई बांटो आपस में, पैसा वैसा है कि नहीं है, होंगे इधर उधर का छीन छीन खाने की तो आदत है, होगा, चलो मैं जा रही हूँ, मेरा सर दुख रहा है बहुत ज़्यादा, अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जा रही हूँ,
कोई बात होगी तो बताऊंगी आप लोगों को। तबीयत कैसी होगी कैसी नहीं मुझे नहीं पता है, पर अभी तो मैं पानी पीऊंगी, ढेर सारा प्यास लगी है मुझे। खाना वाना तो सब गया, मेरे बच्चे ने खाया, मुझे भूख ही नहीं लगी है, वो भी सो गई सुनते सुनते। नींद नहीं लगेगी, दवाई खानी पड़ेगी, सर दुख रहा बहुत ज्यादा, आंख नहीं बंद, आंख बंद करूंगी पूरा सब कुछ दुख रहा, ज्यादा रो लिया ना, बहुत गंदा लग रहा है। मम्मी का कॉल आ रहा था, ममता जागी थी आज, उनको लगा कि मम्मी ममता बंद हो गई, अच्छा फोन आना बंद हो गया, ममता बंद हो गई क्या बेटा? मम्मी का कॉल आ रहा था, देखी होंगी, देखी नहीं होंगी, उनका फोन आया था तो मैंने बताया था ऐसी ऐसी बात है, तो बोले कहीं थी शायद, दशहरा चल रहा है ना, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, दुर्गा जी देखने गए हैं, दुर्गा जी तो बहाना है, इस साड़ी वाड़ी देख दिखाते हैं, अपनी नई नई साड़ियाँ पहन के जाते हैं, मेकअप झुमका लाली लिपस्टिक, दुर्गा जी देखने कोई नहीं जाता, भंडारा खाने जाते हैं लोग, सब लोग गए होंगे बैग ले लेके, पन्नी ले लेके भी। आ रहे हैं हमारे मॉल की ओर श्रेया कौन पूछ रहा है, श्रेया कहाँ है? नीलम किचन, श्रेया यहीं पे है, मेरे को लगा सो गई थी, पर वो ये देखो श्रेया, राधे राधे बोल दो सबसे। ओ श्रेया बैक कैमरा है, तू दिख रही है, राधे राधे कह देना, ये क्या ना राधे राधे, मेरी श्रेया आज राधे राधे भी नहीं बोल रही है। कौन बोल रहा है, मैं यूपी से हूँ, नहीं भैया मैं एमपी से हूँ, एमपी की प्रताड़ित महिला, आज अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए, मेरे जब कोई है ही नहीं, मैं अनाथ हूँ तो सुना दिया सबको जी खोल के क्या मेरे साथ हो रहा है, अभी आधी अधूरी बातें सुनाई है, जिस दिन लास्ट डे होगा उस दिन पूरा सुना दूंगी सबको, बता के तो जाना पड़ेगा ना, कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगी पूरी पिक्चर खींच खींच के, चीजें पढ़ते रहना आराम से। हम आपके साथ हैं राधे राधे बेटा, आप लोग साथ हो, कहाँ चले जाते हो, मेरा वीडियो क्यों नहीं देखते हो आप लोग, वीडियो देख लिया करो, एक एक दिन का बहुत मेहनत करती हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी, किस्मत में जितना व्यूज होगा उतना आएगा। चलो मैं जा रही हूँ, कैसी हो गई ना मेरी आंख रोते रोते, ऐसा लग रहा आई फ्लू हुआ है मेरे को, लग रहा किसको किसको लग रहा, सुहाना को आई फ्लू हो गया, मैं नहीं सोऊंगी ना तो कुछ लोग यहाँ पे सोएंगे नहीं, वो बोलेंगे कुछ और ही कह दे, ताला लगा है, आवाज से आई ताला खुलने की, अनुप्रिया ब्लॉग्स, प्लूटो स्काई फर्स्ट टाइम
दशहरा का टाइम है ना, सब लोग रोड चल रही है, 11 बज रहा अभी ना, मुझे लगा सब लोग, पता नहीं, मैं तो ये सोच रही थी क्या पता सब लोग माता रानी के दर्शन करने गए होंगे, कोई आ रहा है ब्लॉग वीडियो यानी लाइव में कि नहीं आ रहा है, पर मेरा मन अच्छा नहीं था। चलो मैं अब जा रही हूँ, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी बातें सुने बैठ करके बहुत बहुत, बाकी लोग तो और ये लाइव कल से आया यूट्यूब पे मेरे, मैं अब भी आई हूँ, कल से कहाँ लाइव आएगा। चलो मैं जा रही हूँ, अब नहीं है मतलब, चक्कर वक्कर से आ रहा है। जा रही हूँ चुपचाप, जो रिश्तेदार बैठे हैं ना तो देख लो, ये होता है, किसी की बहू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत दुख होता है, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे को भी दर्द होता है। बहू ने किसी की बेटी, अरे मैं ये बोल रही हूँ, जैसे कोई भी ससुराल वाले हैं बेटी के साथ तो ठीक है, क्योंकि पर जो ससुराल वाले हैं ना, वो अपने अपनी बहू के साथ ऐसा ना करें, कभी धोखे धड़ाके से बहू को इतना प्रताड़ित ना किया जाए, दुख होता है, बहू भी किसी की बेटी होती है, उसमें भी दिल होता है, बहुत परेशान होती है। चलो जाते।